अरे भाई इतनी मिर्ची क्यों लगती है इस आरएसएस के खिलाफ जब हम लोग सच्चाई की बात बोलते हैं? मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे किसी भी मामले में आप जांच करवा लीजिए, मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और कटारिया को न्योता देता हूं, और वरना उस निम्बाराम को यहां लाइए, राजस्थान में ला करके बताइए कि ये पुलिस के सामने निम्बाराम आ गया। शर्म नहीं आती तुमको? तुम किसान के बेटों से एलर्जी करते हो, किसान के बेटों की मार्कशीटों को चाटते घूम रहे हो और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हो, आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी बहुत आप किस मुंह से बात कर रहे हो? अरे अगर कलई खोलूंगा ना तो कलई खुल जाएगी। आपने इनडायरेक्ट में वसुंधरा राजे जी की सरकार में जिसमें कटारिया जी आप मंत्री थे उसके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी और यहाँ के महान नेता सब मिलकर के जब देश को आजाद करा रहे थे तो ये आरएसएस के लोग उसकी मुखबरी करने का, अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम कर रहे थे। ये वही लोग हैं, यही संस्कृति है, आरएसएस की पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है, और इसीलिए देश के लोग इस आरएसएस से नफरत करते हैं, इस आरएसएस को सबक सिखाना चाहते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, आप किसी को नहीं बख्श रहे हो, सबकी निजता का हनन कर रहे हो, सबकी बातों को टेप कर रहे हो। एक पति और पत्नी बात कर रहे हैं उसकी फोन को आप टेप कर रहे हो, एक नेता अपने परिवार से बात कर रहा है उसका फोन टेप कर रहे हो, एक नेता अपने नेता से बात कर रहा है उसकी फोन को आप टेप कर रहे हो। अरे आपने तो नेताओं को छोड़ो, नेताओं के औषधियों को भी नहीं छोड़ा, इससे ज्यादा नीचता की कोई पराकाष्ठा जो मोदी सरकार ने की है वो हो नहीं सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इनमें दम है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाइए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस मोदी सरकार ने अगर कहीं रेड डलवाई, इनकम टैक्स की हो चाहे ईडी की हो, वो अगर रेड इन्होंने डलवाई है तो अपने भी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के खिलाफ जो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री के नजदीक हो, उन सब के ऊपर रेड डलाने का काम कर रहे हैं।